हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अहमदाबाद शहर के साबरमती आश्रम की वीडियो आपके सामने लाया हूँ। साबरमती आश्रम का इतिहास व महात्मा गांधी के जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य अहमदाबाद जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम वृक्षों की शीतल छाया में स्थित है। यहाँ की सादगी एवं शांति देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। आश्रम की एक ओर सेंट्रल जेल और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान है। आश्रम में सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, विराग एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में था प्रतीक है। इस आश्रम में विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी एवं ग्राम उद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता एवं भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई एवं बुनाई के साथ साथ चरखे के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा। आश्रम में रहते हुए गांधी जी ने अहमदाबाद की मिलों में हुई हड़ताल का सफल संचालन किया। मिल मालिकों एवं कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए गांधी जी ने अनशन आरंभ कर दिया था। 3 दिन में विवाद सुलझ गया, अनशन समाप्त हुआ। साबरमती आश्रम में रहते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की। इस तरह साबरमती आश्रम का संक्षिप्त वीडियो आपके सामने लाया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब व इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।